जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। हरिओम सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। सभी को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के साथ पहले आज के कोर्स के बारे में एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अब ये कोर्स कम डाउन की तरफ जा रहा है, मतलब खत्म होने जा रहा है। तो आपके जो भी सवाल हों रिलेटेड टू मनी, बिजनेस, जो भी चीजें हों, आप फटाफट लिखने शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो हमारा सेशन होगा इस कोर्स रिलेटेड वो होगा क्या कि हमें क्वेश्चन आंसरिंग राउंड रखने होंगे आप लोगों के साथ। तो उस वक्त आप ऐसा ना हो कि कोई चीज ऐसी जो हमें समझ में नहीं आई और उसका जवाब भी हमने नहीं पूछा, तो ऐसा मोमेंट हमारे बीच में ना आए। इसलिए आप सभी प्रकार के अपने जो सवाल हैं वो पूछ लीजिएगा उस टाइम पे। ओके, अब आज का कोर्स, पैसे का हमारी बॉडी से क्या लेना देना है? ठीक है जी, हम पैसा किस लिए कमाते हैं और पैसे कमाने का सही मीनिंग हमारे जीवन में क्या है और क्या होना चाहिए, मतलब क्यों हमारे जीवन में मुझे पैसा कमाना चाहिए, एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज ये भी आती है कि कैसे कमाना चाहिए। पहली बात क्यों है, पैसा हमें क्यों कमाना चाहिए अपने जीवन के अंदर? पैसा हमारे लिए जरूरी है? कितने लोग एग्री करते हैं पैसा हमारे लिए जरूरी है? हैंड रेस कर लेते हैं वैसे वीडियो में ही। पैसा हमारे लिए जरूरी है? ओके, पक्का जरूरी है? पैसे से ज्यादा जरूरी चीज क्या है हमारे जीवन के अंदर? पैसे से ज्यादा जरूरी चीज दैट इज व्हाट? समझ जाइए कि अगर 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 आप शाम को पैसा लेके घर से निकले और किसी ने बंदूक लगा दी यहाँ पे और बोला कि भैया बताओ, तो आप खुद ही अपने पर्स से सारा पैसा निकाल के जेवर उतार के उसको दे दोगे और कहोगे कि जान छोड़ भाई, पैसे की कोई बात नहीं, ठीक है पैसा फिर कमा लूंगा, ऐसे होता है। तो पैसे से इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास हेल्थ, और ऐसी दौलत में क्या करूंगा, ठीक है जी, जहां पे मेरे पास हेल्थ नहीं है। देखिए अनिंदर मैडम ने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया है, हैप्पीनेस, यस एग्जैक्टली, आपके पास पैसा बहुत हो और हैप्पीनेस ना हो, हेल्थ ना हो, तो मामला खराब है वहां पे पूरा का पूरा। तो ऐसा क्या कि भैया मैं लैग कर रहा हूँ अपनी साइकोलॉजी के अंदर, मैं पैसे के पीछे तो भागा लेकिन मैंने अपना रूट बदल लिया, मैंने अपना रूट खराब कर लिया। कौन सा रूट खराब कर लिया? कि पैसा तो ठीक है लेकिन हेल्थ खराब कर ली। और हेल्थ क्यों खराब कर ली? क्योंकि पैसे कमाने थे, और पैसे क्यों कमाने थे? क्योंकि हेल्थ बनानी थी, ठीक है जी। तो वेल्थ और हेल्थ दो अलग अलग पहलू हैं। मैं कमाने के लिए इसलिए जाता हूं ताकि मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं, सब कुछ अच्छे से हो, और लेकिन मैं कमाने जाता हूं या खुद को खर्च करके आता हूं वहां पे, और मैं क्या खर्च करके आता हूं 9 से 5 की जॉब के अंदर, क्या मैंने कभी उसका रियलाइजेशन किया? आधे लोगों को तो बॉस का टेंशन है ऑफिस के, ठीक है जी, कोई किसी के पैसे लेके भाग गया, कोई किसी का क्या नाम है 12 घंटे काम करूंगा ज्यादा पैसा कमाना है, 14 घंटे काम करूंगा, 16 घंटे काम करूंगा, इस प्रकार की टेंशन लोगों के जीवन है। अब मैं गया तो पैसे कमाने था लेकिन टेंशन लेके आ गया, टेंशन से डिप्रेशन बन रही है, फिर साइकोसोमिया बन रही है, फिर बीपी हाई हो रहा है, फिर बीपी लो हो रहा है, फिर माइंड काम नहीं कर रहा, ऐसी बातें लोग बोलते हैं, भैया तू मेरा दिमाग खराब मत कर, ये सब चलता है ना हमारे जीवन के अंदर। अब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ, और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है पैसा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड मैं करता क्या हूं और जो मैं करता हूं उसके प्रति मेरा माइंडसेट क्या है।
अगर मैं पैसा ही कमाना चाहता हूँ तो मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी हेल्थ को खर्च नहीं करूंगा, हेल्थ को बचाऊंगा। इसी के लिए हम पैसा कमाते हैं ना, या हेल्थ खराब करने के लिए कमाते हैं पैसा, ठीक है जी। और अगर मैं हेल्थ को बचाऊंगा तो भी मैं पैसा कमाऊंगा। अगर आपने मान लो एक रोड मैप बनाया जीवन का कि जी मेरे को इस एज में रिटायर्ड होना है, तो पहली बात तो कोई गारंटी नहीं, दूसरी बात उस एज तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है किसी की भी। दूसरी बात, लक्ष्य को आप हासिल जरूर कर लोगे, लेकिन लक्ष्य को हासिल करते करते हम एक चीज को लैक कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कि हम अपनी सारी जवानी और मेहनत को खर्च कर देते हैं पैसे कमाने में। पूरी जवानी और मेहनत हमारी पैसे कमाने में चली जाती है, और पैसे के साथ लास्ट में हमारे हाथ लगता क्या है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बुढ़ापा, ऐसी चीजें, ठीक है जी। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, पीपल हु हैव गुड वेल्थ, अगर उनके पास बहुत अच्छी हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, ओ सॉरी, वेल्थ है और हेल्थ नहीं है, तो वो सारी की सारी वेल्थ बेकार है। मतलब इंटायर आपकी जो कमाई है ना वो बेकार है, फिर आप छोड़ के चले जाओगे या फिर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में खर्च होती चली जाएगी वो वेल्थ आपकी। अगर आपके पास गुड हेल्थ है तो आप गुड वेल्थ कभी भी बना सकते हो। इस चीज का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। इसके ऊपर 1000 क्लासेस हैं, मतलब आप लोगों ने सबको एक टाइम पे शौक चढ़ता है क्लासें करने का, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। एक बार को तो सबको करना होता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीखूंगा अपनी लाइफ के अंदर। बट टाइम मैनेजमेंट का रियल मीनिंग क्या है? टाइम मैनेजमेंट का रियल मीनिंग है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि लक्ष्य आपके हैं, गोल आपके हैं, मेहनत आपकी है, फायदा चलो हमारे साथ दो चार लोगों को और भी होगा हमारे परिवार के, लेकिन सब कुछ मेरा है, और हेल्थ भी किसकी जा रही है, मेरी। अगर मेरी ही हेल्थ जा रही है तो मैं वेल्थ बना रहा हूं और हेल्थ को घटा रहा हूं, और एक तरफ अगर मैं हेल्थ बचाऊं तो वेल्थ बनाने के चांसेस मेरे पास हमेशा ही रहेंगे, लेकिन हेल्थ गई तो वेल्थ को भी नहीं भोग पाऊंगा और नीचे छोड़ जाऊंगा प्रॉपर्टी के झगड़े वो लड़। मैं इस कॉन्फिडेंस में रहूंगा, मैं जीऊंगा, और मैं कहीं गया तो नीचे बच्चे लड़ रहे हैं, ये तो पापा ने मेरे नाम किया था, ये तो पापा ने मेरे नाम किया था, चलो कोर्ट कचहरी। नीचे फिर मैं ये छोड़ के जाऊंगा अगर मैंने मैनेजमेंट नहीं किया अपना, अगर मैंने अपना सही मैनेजमेंट आंकलन नहीं किया हेल्थ का, तो मैं पीछे यही कहानी छोड़ के जाने वाला हूं। दूसरी बात, अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि क्या ये सच है जो हम बोल रहे हैं, हम क्यों ये बात मान लें कि मैं जल्दी जाऊंगा, ठीक है जी। और मेरा जवाब ये है कि हम क्यों ये मान लें कि मैं लेट जाऊंगा, ऐसा विश्वास रखने में कोई बुराई नहीं है, बट जो चीज निश्चित है उससे मैं भाग तो नहीं सकता। मृत्यु सबकी निश्चित है तो मैं भाग नहीं सकता। मेरे लिए पैसा किस काम का? मेरे लिए पैसा तब काम का जब मैं आराम से बैठ के अपने सपनों को जीऊं। जब मैं आराम से बैठ के अपने सपने को जी नहीं सकता तो पैसा मेरे किस काम का? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए स्टीव जॉब्स का। इतनी बड़ी इकोनॉमी तो किसी के पास नहीं थी जितनी स्टीव जॉब्स के पास थी, बट जो क्या नाम है, जो हेल्थ क्रैश उसने देखा स्टीव जॉब्स ने, वो शायद ही किसी बिजनेसमैन ने ऐसे देखा होगा। मतलब शायद ही किसी के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी कि 5 यूरोप खरीद सकता था वो आदमी, 5 यूरोप की इकोनॉमी के बराबर एक ऑर्गेनाइजेशन एप्पल थी उसके पास, लेकिन एक लीवर नहीं खरीद पाया, एक लीवर नहीं सेट बैठा उसको, सिंगल लीवर, मतलब जो कि डेवलप हो सकता है हमारा, हम अपना आधा लीवर किसी को दान भी कर सकते हैं, हमारा आधा लीवर अपने आप बन जाएगा, उसको भी आधा देंगे तो आधा उसके पेट में अपने आप बन जाएगा, वो एक सिंगल लीवर नहीं खरीद पाया व्यक्ति जिसके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी थी। एंड
मौका नहीं दे, वो उस मौके को नहीं भुना पाया कि इतनी बड़ी इकोनॉमी का मैं करूं क्या। हाँ, किस्मत एलिजाबेथ जैसी होनी चाहिए, 96 जियो, राजा की तरह पैदा हो और राजा की तरह जाओ, ऐसे ही किस्मत होनी चाहिए ना। यहाँ पे कह सकते हैं हेल्थ भी थी और वेल्थ भी थी, मतलब बढ़िया वेल्थ थी और बहुत बढ़िया हेल्थ थी, ठीक है। अब लोग वेल्थ के चक्कर में हेल्थ को खराब करते हैं, और अगर आपको अपनी हेल्थ को खराब करना ही है तो वेल्थ के पीछे भागी क्यों रहे हो फिर? फिर आपको उस जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है जहां पे आप, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। लक्ष्य किस लिए बना रहे हो? अपने लिए। फार्म हाउस किसके लिए बनाओगे? अपने लिए। जमीन किसके लिए खरीदोगे? अपने लिए। बुढ़ापे में बैठ के आराम कौन करेगा? हम करेंगे जी। और हम ही अपने शरीर को डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर जैसी ऐसी इतनी बीमारियां दे देते हैं कि हम अपनी ही दौलत को भोग नहीं पाते। बच्चे लाए जी खुशखबरी है तो कह रहे नहीं जी मेरे को तो शुगर है, मैं तो खा नहीं सकता, डॉक्टर ने ज्यादा नमक मना किया है, हार्ट की प्रॉब्लम है। फिर ऐसी ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि मेरे पास दौलत से तो मैं निश्चिंत हूं बट मैं खुद को लेके बहुत चिंताग्रस्त हूं। तो वो दौलत है या कुछ और? समझिए, एक इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और वो नाव बहुत बड़ी है। एक नाव में आप बैठे हैं, वो नाव बहुत बड़ी है, उसका साइज उतना ही बड़ा है जितना आप सोच सकते हो, और उसमें आपने वो सारी लग्जरियां भर ली जो आपको अपने जीवन में चाहिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, मकान, जो आपको चाहिए था उस नाव के अंदर आपने हर फैसिलिटी को रख लिया अपनी। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक छेद हो जाए उस नाव में, एक सिंगल छेद हो जाए, तो उस नाव का क्या होगा? वो नाव डूब जाएगी। तो हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। हर मनी के ज्ञाता ने एक बात जरूर कही है जीवन के अंदर कि अपनी क्लास में भी ऐसे बहुत लोग होंगे, एक दो को मैं जानता भी हूँ, जिनकी काम की एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन हेल्थ खराब कर ली काम के चक्कर में। होता है एक टाइम पे हमारा जोश ऐसा होता है कि हम काम के पीछे भागते हैं भागते हैं, लेकिन एक वक्त में हमें पता लगता है कि हम काम करने के लायक ही नहीं बचे। क्यों? क्योंकि नीचे से नाव में कब छेद हो गया वो हमें पता नहीं चला, और ना ही हमने उस छेद के बारे में कोई गहराई से कभी सोचा कैसा भी हो रहा है क्या। छोटी मोटी बीमारी है चलो हो जाएगा ठीक, छोटी मोटी बीमारी है चलो हो जाएगा ठीक, ये सोचते सोचते कितना बड़ा रूप वो चीज ले लेती है। क्योंकि जब आप उस पॉइंट पे विचार ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं, तो आप स्वयं का ध्यान नहीं रख पाओगे। दूसरा, पैसे के लोग, जो लोग बड़ा लक्ष्य रखते हैं, वो लोग अगर हेल्थ को लेके बड़ा लक्ष्य नहीं रखते तो वो पैसा दूसरों के लिए कमाते हैं, स्वयं के लिए कभी वो व्यक्ति पैसा नहीं कमाता। अगर आपकी लाइफ में आपका एंजॉयमेंट, आपका पीस ऑफ माइंड, आपको प्रॉपर रेस्ट जो आपको चाहिए चीजें हैं, आप उसको तवज्जो नहीं देते और आप सोचते हो कि पैसा कमाएं पैसा कमाएं पैसा कमाएं, तो आप पैसा दूसरे के लिए कमा रहे हो, खुद के लिए नहीं कमा रहे हो। और जब मैं खुद के लिए पैसा नहीं कमा रहा हूं तो मैं एक तरफ कमा रहा हूं और एक तरफ घटा रहा हूं, क्योंकि नाव में छेद है। ट्यूबलेस टायर के अंदर भी वही क्षमता होती है, थोड़ी देर भी वो आपको बचा सकता है, उसके बाद गाड़ी पंचर। ऐसा ही होता है ना हमारे जीवन में। तो कुछ नियम जो ये कहते हैं, सबसे पहले ऑफिस ऑफिस है और घर घर है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रख के चलना है। मेरे को घर में आने के बाद ना हिंदुस्तान का जो कल्चर है, टेंशन तो सारी बताएंगे बीवियों को, पति आज ऑफिस में ऐसे हुआ, जैसे हुआ, जैसे हुआ, और जो मस्ती करके आएंगे वो कोई नहीं बताएगा आज मैंने मस्ती क्या करी ऑफिस के अंदर। अब हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि कमाने वाला एक, खाने वाले चार, ये पूरे हिंदुस्तान का एक हाल है। अगर पति ने कहा ना मेरी जॉब पे खतरा है, तो पत्नी का फोन मेरे पास आ जाएगा, सर जी कोई सिचुएशन बताओ, कोई रेमेडी बताओ, इनकी जॉब पे खतरा है। टेंशन पति की थी, नौकरी पति को करनी है, लेकिन पति टेंशन पत्नी को देके अगले दिन फिर काम पे निकल गया, कह रहा कोई बात नहीं मैं ढूंढ लूंगा मैं देख लूंगा। लेकिन पत्नी अब तब तक टेंशन में रहेगी जब तक पति आके ये नहीं कहेगा कि भैया जॉब
ठीक चल रही है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बॉस से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। पति ऐसा कभी बताते ही नहीं ऑफिस के, घर पे आने के बाद लड़ाई होगी बताएंगे, गुस्सा आएगा घर पे आके उतार देंगे, फिर कहेंगे ऑफिस की वजह से मूड खराब था। इससे वो क्या कर रहे हैं पता है, ये जो कम्युनिकेशन है इससे आप अपने परिवार की हेल्थ खराब कर रहे हो और स्वयं की वेल्थ खराब कर रहे हो, क्योंकि आपने टेंशन दी, उस टेंशन का कोई ना कोई रास्ता तो निकल के आएगा बाद में, ओवर थिंकिंग होगी, डिप्रेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, वो टेंशन कहीं ना कहीं किसी रूप में तो प्रकट होगी आपके घर के अंदर। और दूसरी बड़ी चीज, बहुत सारे लोग घर को और ऑफिस को मिक्स रखते हैं। मिक्स का मतलब कि भैया घर ऑफिस की सारी टेंशन घर पे रखेंगे, अपनी सारी टेंशन घर पे रखेंगे और जब भी घर के अंदर बैठे होंगे ऑफिस के बारे में ही सोचते रहेंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, मतलब ये वो रॉन्ग प्रैक्टिस। आप अपने टाइम को अगर मैनेज नहीं कर सकते, आप घर के टाइम पे घर के नहीं हो और ऑफिस के टाइम पे ऑफिस के नहीं हो, तो वो जो छेद हमारी नाव के अंदर हुआ है उसमें जो ड्रिल मशीन है वो हमारे हाथ में ही है, हम ही कर रहे हैं वो, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। देखो मैं ड्रिल मशीन भी चला रहा हूँ और मेरी नाव भी नहीं डूबेगी। एक तो होता है नाव पलट जाना, कोई घाटा हो गया, कोई बड़ा बिजनेस क्रैश हो गया, नाव पलट गई। एक है मैं खुद ही ना अपनी नाव के अंदर छेद कर रहा हूँ और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि भैया मेरी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और मेरी वेल्थ भी बढ़िया रहेगी। रह सकती है क्या अगर आप वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते तो? मैं कभी नहीं कहता घर पे जाके ऑफिस को संपूर्ण तरीके से भूलना आसान है, बट कोशिश तो की जा सकती है। और आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, दैट इज योर वेल्थ। आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, उनकी खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए? और वो अमीर किस बात का अमीर जो पैसा इकट्ठा करे जा रहा है, उसको यही नहीं पता बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, मेरा बच्चा सुबह से शाम तक क्या करता है। किस बात का अमीर जो इस लेवल पे सोच नहीं सकता अपने परिवार के बारे में? तो हमारी वेल्थ हमें बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ को सक कर लेती है, और हमें ये बात समझ नहीं आती। हमें बात समझने में कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं, और फिर हम 50 के आसपास आके सोचते हैं कि अब तो जिम करने लायक भी नहीं बचे, ठीक है जी अब क्या करें, और करेंगे थोड़ा सा खुद को मेंटेन करके निकलना शुरू करेंगे तो कहावत लगा देंगे लोग कि बूढ़ा घोड़ा लाल लगाऊं, चलो जी अब तो ये इस उम्र में इनको क्या पड़ी है खुद को मेंटेन करने, क्योंकि हमने शुरू से वो आदत रखी नहीं, हमने शुरू से वो सब काम किए नहीं, तो लोग हमें जीने नहीं देंगे वहां पे। और फिर आपकी डिफरेंट डिफरेंट एज की डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भगवान के भरोसे छोड़ देना। लाइक आपके 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, आपको पता है कि भैया हमारे घरों में जो शादियां होती है ना वो 23-25 साल के बीच में होती हैं या 25-30 साल के बीच में होती हैं, ऐसी होती हैं सबके घरों में शादियां। तो जी उस वक्त के लिए मुझे ये सेविंग करनी चाहिए, फंड रखना चाहिए, वो हम नहीं रखते। जब टाइम आएगा अपने आप देख लेंगे, भगवान ने ढूंढ रखा होगा इसके लिए, तब हो जाएगा। इस भरोसे पे छोड़ते हैं एंड हम फेस करते हैं उस टाइम पे टेंशन, डिप्रेशन और लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रैश। उधार लेनी पड़ती है लोगों को अपने बच्चों की शादी करने के लिए, दैट इज ए फाइनेंशियल क्रैश ना। उधार लोगे तो चुकानी भी पड़ेगी और चुकाने के लिए आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। वो ताकत आपके पास जो आज है, आप उस ताकत को तब यूज कर रहे हो और उसके बाद और ज्यादा टेंशन में जा रहे हो, क्योंकि आज अगर मेरे को कमाने हैं तो मेरे को लगता है इनफ 30 साल है मेरे पास पैसा कमाने के लिए, मैं आराम से कमा लूंगा। आज मेरे को वो टेंशन नहीं होगी अगर मैं 15-20 लाख की उधार भी लेके बैठा हूं तो, लेकिन अगर मैं 60 साल या 55 साल की एज में उधार लूंगा तो क्या मुझे टेंशन नहीं होगी? और वो उम्र क्या मेरी टेंशन लेने की है अगर मैंने वेल्थ का गोल रखा अपनी लाइफ के अंदर? वो उम्र है ही नहीं टेंशन लेने की। तो यहाँ पे सिस्टम आता है कि जो भी मैं लक्ष्य रखता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, उस लक्ष्य को मैं डिवाइड कैसे करता हूँ, मैं अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को किस प्रकार डिजाइन करता हूँ। अब एक 22 साल के लड़के की प्रायोरिटीज क्या होगी अगर वो जॉब करता है, बिजनेस करता है? सिंपल प्रायोरिटी, उसको पहले शादी करनी है, शादी करने के बाद उसको बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पैदा करने के बाद
ये उसकी प्रायोरिटी 22 से 30 साल के बीच में कंप्लीट होगी, और इसके बाद वो व्यक्ति की अगली प्रायोरिटी क्या है, अगली प्रायोरिटी है कि उसको अपना घर बनाना है, उसको अपने बच्चों को, उसको पता है कि आज से 20 साल बाद 15-16 साल बाद मेरा बच्चा 10th क्रॉस कर लेगा और उसके बाद मेरे को पैसा चाहिए होगा। उस 16 साल पहले जब उसको पता है कि मेरा बच्चे को इस टाइम पे पैसे की जरूरत है, तो आज से ही उसके लिए पास कोई प्लान क्यों नहीं है, उस वक्त का इंतजार क्यों? आपको पता है आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से निकाल सकते हो अपने बच्चे के लिए? आप किसी दूर दराज के एरिया में कोई हल्का फुल्का प्लाट खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी हमेशा प्रॉफिट देती है आपको, सस्ता ले लो। आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। इस प्रकार से आप धीरे धीरे आने वाले 16 साल की तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, हेल्थ भी आ रही है और वेल्थ भी, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं ना। एक मान लो बच्चा है मेरा, या 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मैंने एक प्लाट लेके रख दिया, मैंने कहा जब इसकी शादी होगी तब इस प्लाट को सेल करूंगा। 20 साल में वो प्लाट 2 गुना तो हो जाएगा, कम से कम 3 गुना तो हो जाएगा। हम वो स्टेप नहीं लेते हैं, हम शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट थिंकिंग, शॉर्ट लाइफ और शॉर्ट चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पे हम वेल्थ के चक्कर में हेल्थ को संपूर्ण तरीके से गिरा देते हैं। अगर हिंदुस्तान में हम बात करें, 22 या 25 साल की उम्र में शादी होती है आपके बच्चे की, तो 10 साल तक आप उसको एक खिलौना भी दे दो तो उसको कोई ज्यादा समझ में आती नहीं है। मतलब 200 रुपए का एक खिलौना भी दे दो कि बेटा ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो उसको कुछ ज्यादा समझ में तो आती नहीं है बच्चे को, वो ले लेगा चुपचाप। हाँ, 11-12 के बाद वो अपनी डिमांड रखनी शुरू करता है, जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। 1 तोला गोल्ड एक जन्मदिन पे, ठीक है। 10 जन्मदिन पे कितने तोले गोल्ड हुआ? 10 तोले। उसकी शादी पे कितना हो जाएगा वो गोल्ड? ऑटोमेटिक 20 तोले। वो 10 तोले आपका 20 तोले हो चुका होगा, और जो पहले 5 साल में लिया होगा ना, वो 3 गुना बढ़ चुका होगा गोल्ड 20-25 साल के अंदर। आपको शादी में गोल्ड चाहिए, आप अपने बच्चे के लिए पहले दिन से क्यों नहीं तैयारी करोगे? डे वन से आपकी तैयारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बड़े स्कूल में पढ़ाने की बात करते हैं, ये छोटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पास गोल्ड है भी है, पूछते नहीं है, दैट इज योर, और आपने उस बच्चे को पैदा किया और आप चाहते हो कि इसके लिए मेरे को बनाना है, तो आप सोच सकते हो सिर्फ 10 साल आपको उसको एक कॉइन गोल्ड का देना है, और उसके बाद जब उसकी शादी होगी ना, तो वो आपका 10 तोले गोल्ड 35 तोले हो चुका होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, पहले 5 साल वाला 3 गुना बढ़ चुका होगा, अगले 5 साल वाला 2 गुना बढ़ चुका होगा, बहुत आसानी से बढ़ चुका होगा। और इस प्रकार कैसे भी आपका वो होगा, क्या नाम है, गोल्ड 35 तोले हो चुका होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछले 5,000 साल का गोल्ड का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर 10 साल में गोल्ड कहां से कहां पहुंच जाता है। एवरी पिछले 10 साल का ही इतिहास बता दूं, 16,000 से 52,000 है पिछले 10 साल का इतिहास, ठीक है जी। तो अगले 10 साल में सोचो कहां जाएगा, और उसके अगले 10 साल में कहां जाएगा। अगर 10 साल आपने अपने बच्चे में मेहनत करी, आपका 50% चक्कर खत्म, फिर अब जब वो 25 साल का होगा तो आप निश्चिंत बैठे हो, आपकी वेल्थ स्ट्रोंग है वहां पे। और अगर आपकी आपने ये वो 10 साल, जिस 10 साल आप सबसे ज्यादा काम कर सकते थे, उस 10 साल में आपने डिसीजन लिया, और उसके बाद जब आपके बच्चे की उस इन्वेस्टमेंट को यूज किया, गोल्ड लेके भाग थोड़ी जाएगा बच्चा हमारा, रहेगा तो वो आपकी वेल्थ के अंदर ही ना, और आपकी मुट्ठी के अंदर है, आपकी मुट्ठी में है, आपकी वेल्थ के अंदर है, तो आप समझो कि आपको स्ट्रेस कितना होगा। और वहीं पे आपका लड़की 15 साल की हो जाए और आपके पास कोई पैसा ना हो, तो आपको स्ट्रेस कितना होगा। फिर गोल्ड महंगा हो रहा है बाजार में और टेंशन आपको है, गोल्ड महंगा होता जा रहा है, हमने इसकी शादी के लिए कुछ लिया नहीं, दैट इज ए वेरी स्मॉल पॉइंट, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपने टेंशन ले ली इस बात की। और वहीं आपने ले रखा है उसके लिए 10 तोले भी सिर्फ, उस टाइम पे आप कह रहे हो इस बात को, गोल्ड महंगा हो रहा है, हे भगवान और महंगा हो जाए, मेरा 35 गुना होएगा, तब आप ये बात बोल रहे होगे। अब दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? एक तो आप टेंशन ले रहे हो और एक आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। आपने ही सिक्का पलटा है, आपने ही टेंशन को इनवाइट किया है, आपने ही दूसरी चीज को इनवाइट किया है।
अब इसके लिए करना क्या है, गोल्ड के लिए कुछ भी नहीं करना, 3,000 रुपये महीने का आप सिस्टम बनाओ अपनी लाइफ के अंदर कि भैया मैं 100 रुपये रोज के इकट्ठे करूंगा और गोल्ड खरीदूंगा, बात खत्म। 100 रुपये भी रोज के इकट्ठे करोगे तब भी आप बहुत जबरदस्त तरीके से गोल्ड को बना लोगे, 10 की जगह 12 साल लग जाएंगे, और 100 रुपये इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 100 रुपया कितनी बड़ी वेल्थ देगा आपको आने वाले 25 साल में, जिसकी आपको आइडिया भी नहीं है। आप इस पॉइंट को पकड़िए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने आपको विजन बोर्ड लिखवाया, उसमें एक चीज लिखवाई बढ़िया वाली, डेली 40 मिनट वर्कआउट, ठीक है जी। आप नहीं कर पाओगे जी 45 के बाद, क्योंकि खान पान लोगों जॉब में इतने उलझते हैं कि खान पान बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बॉडी को जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो होता नहीं, सेल्स हमारे उस टाइम पे वीक होते हैं, सेल्स को उतना कंटेंट मिलता नहीं, और हम अगर भाग दौड़ करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा आपको, थकावट। भाग दौड़ के चक्कर में क्या मिलेगा, थकावट। पहले 2 दिन एक अच्छे भला आदमी भी, मान लो आपने 2 साल जिम किया लगातार, फिर 1 साल आपने जिम छोड़ दिया, जो जिम करने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं, उसके बाद आपने जब दोबारा जिम स्टार्ट किया तब भी 4 दिन आपका शरीर उस पेन को सहेगा, आपके टिश्यूज ब्रेक होंगे, आप थकावट को लेके आएंगे, 5वें 6ठे दिन के बाद 7वें दिन के बाद आप एनर्जी को महसूस कर पाएंगे शरीर के अंदर। तो अगर अभी से हमने अपनी वेल्थ की हैबिट के लिए एक्सरसाइजेस नहीं पकड़ी, ठीक है जी, एक्सरसाइज का मतलब हमने डेली 40 मिनट का वर्कआउट नहीं किया, और वर्कआउट का मतलब वर्कआउट है चाहे आप पानी की बोतल लेके तेज तेज चल के वापिस आ जाओ घर पे, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना टहल भी लेंगे तो भी हमारे शरीर के अंदर पूरा खून दौरा करेगा और चीजें बदलेगी, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि हमारी वेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इस चीज के अंदर। अब इससे भी बड़ा एक और मतलब सिस्टम है, लोगों से पूछो भैया बोतल लेके घर से निकलेंगे, शाम को बोतल लेके वापिस आ जाएंगे घर पे, पानी की, पानी नहीं पीते हैं लोग, ये आपकी वेल्थ का पॉइंट है। सारा विज्ञान एक बात कहता है कि भैया इतने लीटर पानी, जितना आपका वजन है उतने लीटर पानी, मतलब मान लो 60 किलो हो तो 6 लीटर पानी आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, 6 लीटर पानी हमारी बॉडी से बाहर आना चाहिए। हाइट के हिसाब से भी आप इसमें मेजरमेंट करोगे, 5 फुट के भी हो तब भी 5 लीटर पानी तो चाहिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं है, वो भी काम नहीं करते हैं, इतने वर्क में बिजी रहेंगे कि उतना पानी नहीं पी पाएंगे, ठीक है जी, उतना पानी पीते नहीं है। और जब विज्ञान इस बात की गारंटी ले रहा है कि भैया आप इतना पानी पियो तो मैं आपको क्या दूंगा, आपको बढ़िया हेल्थ रहेगी आपकी, आपकी बॉडी चार्ज रहेगी, पानी से तो ब्रेन का कंटेंट पूरा होता है पूरा सारा का सारा, लेकिन लोग पानी पीते नहीं हैं और अपनी पैसे कमाने के चक्कर में काम में इतने बिजी रहते हैं, चाय छोड़ दो समझ में आता है, खाना भी एक टाइम में आप नहीं खा पा रहे हो समझ में आता है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पानी भी नहीं पीते हो, छोटा सा पॉइंट है ये, लेकिन सब कैलकुलेट कर लेंगे तो नहीं पीते हैं कोई भी। हाँ डॉक्टर कह दे कि जी आपको ये बीमारी हो सकती है, पानी पीना पड़ेगा इतने लीटर डेली, तो मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं वाटर रिमाइंडर का, और ये बहुत बैड हैबिट है, बहुत ही बैड हैबिट। बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर होना चाहिए वाटर रिमाइंडर, पीना है भाई 6 बोतल भर के रख लो कि ये 6 बोतल मेरी आज मेरे को ये पीनी है सारी की सारी, ठंडा गर्म जैसा भी पानी आप पीते हैं ठंडा गर्म पानी आप अपना पिए पीजिए डेली। वेल्थ और हेल्थ दोनों स्ट्रोंग हो रही है, सबसे बड़ी बात क्या है, वाटर कंटेंट के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, आप खाना नहीं भी खाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं बाथरूम जाना पड़ता है इसलिए मैं ज्यादा पानी नहीं पीता, बार बार बाथरूम नहीं जाऊंगा, अरे भैया आप ही की तो किडनियां साफ होंगी, आप इतनी आलस के चक्कर में अपने मतलब पानी वाटर कंटेंट को लूज कर दोगे बॉडी के अंदर। जितने भी लोग स्पीड अप बूढ़े होते हैं, स्पीड से बूढ़े होते हैं, वाटर कंटेंट की वजह से बूढ़े होते हैं सारे के सारे व्यक्ति। अगर आप पानी राइट टाइम पे मतलब 1 दिन के अंदर 6 लीटर पानी पी रहे हो, सिर्फ पानी पी रहे और खाना भी नहीं खा रहे 24 घंटे के अंदर, तो भी आपकी बॉडी की ऊर्जा डाउन नहीं हो सकती। और जब आप वेल्थ के चक्कर में उलझे हो, मतलब काम के चक्कर में आप बहुत ज्यादा उलझे हुए और इतने ज्यादा उलझे हुए कि काम 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 काम, तो ब्रेन को एनर्जी चाहिए,
चाहिए नहीं होगी एनर्जी। अगर ब्रेन को ऊर्जा चाहिए तो आप उसको ऊर्जा के रूप में क्या दे रहे हो? एक्सक्यूज कि मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा इसलिए मैं पानी नहीं पीता। हम अत्याचार कर रहे हैं खुद की हेल्थ पे और वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं। आप सिर्फ पानी पीते रहो, आप चाहे 3 महीने पानी पीते रहो, अगर आप 3 महीने पानी पीते रहोगे, खाना नहीं खाओगे, तो भी आपका ब्रेन आपको जिंदा रखने वाला है। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, पहले 3-4-5 दिन आपको लगेगा कि हाँ मुझे खाना खाना चाहिए, 6ठे दिन से वो आपको छोड़ देगा, कहेगा भैया पीते रहो पानी, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। लेकिन पानी उसको चाहिए और उतना चाहिए जितनी इसकी डिमांड है बॉडी की। अब आप समझो कितने छोटे पॉइंट को साइकोलॉजी ने क्यों ऐड किया अपने साथ। साइकोलॉजी क्यों कहती है कि इतने छोटे पॉइंट को पकड़ो? क्योंकि जिस आदरणीय व्यक्ति का मैंने नाम लिया क्लास के अंदर, जिसके फोन के लिए हम सब पागल होते हैं, एप्पल का फोन एप्पल का फोन, उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ही यही हुई थी कि उसने पानी ही नहीं पिया था और उसको लिवर इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर ने कहा पानी पीते रहो और ठीक हो जाओगे। उसको इन्फेक्शन बहुत पुराना था लेकिन उसके समय ही नहीं था कि मैं पानी ही पीता रहूं। अब आप समझ रहे हैं कितनी कितना छोटी बात है और कितना बड़ा लॉस हुआ। समाज को भी लॉस हुआ इस आदमी के जाने से, सोसाइटी को भी लॉस हुआ है, हम सबको लॉस हुआ है। कितने हजारों लोगों को वो रोजगार देने वाला व्यक्ति था, जिंदा रहता तो और ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करता। अब आप समझ रहे हैं कितनी छोटी बात पे कितना बड़ा उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर लॉस उठाया। बहुत स्मॉल बात है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बात का हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है कि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के नहीं चले तो हेल्थ खर्च कर रहे हैं वेल्थ के लिए। और वेल्थ के लिए हमें खर्च करना क्या है एग्जैक्टली? आपको वेल्थ के लिए क्या खर्च करना है? दैट इज ओनली स्किल। आपका जो स्किल है वही आपको खर्च करना है, अदरवाइज आपको कुछ खर्च ही नहीं करना वेल्थ के लिए। आप अपनी आपने पढ़ाई लिखाई क्यों करी है? एजुकेशन, स्किल के लिए। आप अपने स्किल को खर्च कीजिए वेल्थ के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर से जब ऑफिस आ जाओ तो घर को भूल जाओ। घर से जब ऑफिस आ जाओ तो ऑफिस को भूल जाओ और अपने घर के अंदर हो जाओ। घर का मतलब घर, घर के बाहर कोई ऑफिस, बाहर ऑफिस, घर के अंदर आप, घर के अंदर मतलब आप अपनी हैप्पीनेस और जॉय के साथ हो। आप घर के अंदर जब रहोगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरे पैसे की एक्चुअल कीमत क्या है। तब आपको अपनी जरूरतें समझ में आएंगी, तब आपको अपने परिवार के साथ आपका इमोशन बिल्ड होगा। अब मेल प्रॉब्लम क्या है कि घर के अंदर आते ही खाना खाएंगे, खाने में कमी निकालेंगे, बीवी से झगड़ा करेंगे, बीवी कहेगी भारी बढ़िया थे भाई साहब, भारी रहते थोड़ा और लेट आ जाते, और वो पीस ऑफ माइंड घर का भी डिस्टर्ब रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस की टेंशन है, ऑफिस की चिंता है। और एंड ऑफ द टाइम आप उनको कितना भी समझा लो, भारत में क्या होता है कि आपका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो आपको यही एक्सक्यूज देंगे कि जी मैं किसके लिए टेंशन ले रहा हूँ, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, आपके लिए, यही एक्सक्यूज देते हैं लास्ट में। बट ये गलत है। आप अपने ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आइए और ऐसा मैनेजमेंट अपने ब्रेन के अंदर बना के रखिए, अपने गोल्स को इस प्रकार से डिवाइड करके रखिए कि ये काम इसके लिए, ये काम इसके लिए, ये काम इसके लिए। एक तोले की जगह 2 तोला गोल्ड जोड़ना शुरू कर दो। बच्चे की ना शादी की टेंशन है ना एजुकेशन की टेंशन है आपको, आप करके देख लीजिए। नहीं होगा तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि अगर आपने इतना गोल्ड इकट्ठा किया और इस इंटेंशन के साथ इकट्ठा किया कि ये मुझे इसी काम के लिए खर्च करना है, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए रिजल्ट क्या निकल के आएगा वहां से। और गोल्ड तो इक्वल टू इक्विटी है, कैश मनी है वो तो आपके एकदम से। दूसरी बात, मनीषा जी मैंने नहीं कहा एक्स्ट्रा पानी पीना है, मैंने कहा जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है हमें सिर्फ उतना पानी पीना है, ठीक है? और बॉडी को कितना पानी रिक्वायर्ड है इसके लिए 2 बाबा जी आपको बताएंगे, एक यूट्यूब बाबा, एक गूगल बाबा, वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पानी के बारे में बात करते हैं। उतना ही पीना है पानी हमें, ठीक है जी? और अगर किसी को पानी की वैसे प्रॉब्लम है, मतलब हैवी पानी है आपके वहाँ पे, भारी पानी है,
जो पेट को भारी करता है तो एल्कलाइन वाटर पीजिए, और अदरवाइज उबाल के ठंडा करके पीजिए पानी, क्योंकि समटाइम्स वाटर कंटेंट बहुत भारी होता है तो आदमी उतना पानी नहीं पी सकता जितना उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे आप वाटर कंटेंट को चेंज कर सकते हैं वाटर के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, जिसके चक्कर के अंदर मेरा परिवार भी पिस रहा है, और मेरा परिवार इसी एक्सक्यूज के साथ पिस रहा है कि भैया ऑफिस घर के अंदर है, ऑफिस की सारी टेंशन जो है ना, अपने से छोटों की, अपने से बड़ों की, अपनी गलतियों की, अपने जो भी काम होते हैं वो सब के सब मैंने घर के अंदर ला के रख दी। और ये आप मान लीजिए, एक औरत अगर वर्किंग है, एक लेडी अगर वर्किंग है, तो वो घर पे आके बताए मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आदमी कहेगा नौकरी छोड़ दे, ठीक है। एक आदमी अगर वर्किंग है ना और उसने घर पे आके कही प्रॉब्लम, तो आप जो 100 लोग हैं ना, इसमें से 50 हीलर होंगी लेडीज, तो आप सब हीलिंग शुरू कर देंगे कि ये ठीक रहे, इनकी जॉब ठीक रहे, इनका बॉस ठीक रहे, इनकी ये टेंशन सॉर्ट आउट हो जाए, इनका वो हो जाए। फर्क है, कारण क्या है कि परिवार में जो अर्निंग नहीं होगा वो फिक्रमंद होगा इस बात का कि भैया इनकी नौकरी को कुछ ना हो, लेकिन क्या आप इस बात के फिक्रमंद नहीं है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हेल्थ को खराब करता जा रहा है अपनी। 40 मिनट का वर्कआउट, बॉडी में फुल वाटर कंटेंट, ठीक है जी, और साथ में मेरे को करनी है छोटे छोटे प्लानिंग्स। 4 ब्रेकअप है आपकी लाइफ के अंदर, पहला शादी, दूसरा बच्चे, तीसरा बच्चों के एजुकेशन, और चौथा बच्चों की शादी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके पास पेरेंटल कुछ नहीं है तो आपको अपना घर बनाना है, और घर जो आदमी बना लेता है बाकी काम उसके अपने आप हो जाते हैं। 5 काम मान लो मैक्सिमम, इन 5 कामों के लिए को आप डिवाइड करोगे तो बच्चे की शादी और एजुकेशन कम्प्लीशन के अंदर 3 साल का गैप रखो, जिस दिन इसकी एजुकेशन कम्प्लीट होगी इसके 3 साल के बाद इसकी शादी करनी है। 3 साल का अगर आप गैप रखोगे तो आपको फाइनेंशियल क्रैश कभी नहीं आएगा। एजुकेशन का बजट अलग होना चाहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से अभी तो 16% है, और उसका बजट अलग होना चाहिए आपका, क्या नाम है, शादी का। ये 2 बजट अगर आपने कंप्लीट कर दिए तो आपने 50% ऑफ टेंशन अपनी लाइफ की डाउन कर दी, और आपकी ना हेल्थ बड़ी स्ट्रोंग होगी जब आप बेफिक्र इंसान होंगे उस वक्त पे, जब आपका बच्चा 11 साल का होगा और आप कहोगे कि जी मैं तो कर चुका हूँ इसका इंतजाम, मेरे को कोई चिंता नहीं है, ठीक है जी, इसके लिए तो मैंने करके रखा है। उसके बाद आप आ जाओ प्रॉपर्टी पे, बाकी चीजों के ऊपर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जहां आपका मन करे। मैं किसी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं देता, जो आपका वो हो, इच्छा शक्ति जो आपकी कहती होगी हाँ मैं करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, आप वो कीजिए। गोल्ड के लिए यस मैं बोलता हूँ सबको, क्योंकि गोल्ड एक कोर कैश है आपके पास, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अपनी वेल्थ के अंदर एक चीज को शामिल कीजिए कि मैं कभी जीवन में उधार पे नहीं जीऊंगा। उधार एक बहुत बड़ी टेंशन है, कम ज्यादा सब चलेगा लेकिन मैं उधार पे नहीं जीऊंगा, और अगर मेरी उधार है तो हम अपनी उधार को चुकाने के लिए कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करेंगे। तीसरी चीज, मौन व्रत रखिए, जो कि बहुत जरूरी है। कैसा मौन व्रत? मौन व्रत जहाज में बैठ के रखिए, एरोप्लेन के अंदर बैठ के रखिए, घर पे आते ही एक टाइम फिक्स कीजिए। जैसे मेरा फोन है रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक मौन व्रत पे होता है, वो एरोप्लेन मोड पे, कोई इमरजेंसी नहीं है तो उसको एरोप्लेन मोड पे डाल दो, और कोई इमरजेंसी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका फोन बजेगा ही नहीं, आपके साथ बोलेगा ही नहीं, आपके साथ वो बात ही नहीं करेगा आपका फोन। ये बहुत जरूरी है कि आप अगर ऑफिस को ऑफिस और घर को घर रखना चाहते हो तो आपको अपने फोन के साथ मौन व्रत रखना बहुत जरूरी है। अपने एथिक्स के साथ, जो भी आपके जुनून है उस जुनून के साथ जीने के लिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर बड़ी सिंपल चीजें हैं। 40 मिनट आपको वर्कआउट करना है, एटलीस्ट 30 मिनट आपको अपने बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, कैसा गया दिन, क्या किया,
सभी उसके दोस्तों की खबर आपके पास होनी चाहिए, वो मोबाइल में क्या करता है इस बात की खबर आपके पास होनी चाहिए, हर एक चीज आपके पास उसकी होनी चाहिए। यू आर तब आप अपने ड्रीम्स के साथ जी पा रहे हो, अदरवाइज आप अपने ड्रीम्स के साथ जी नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ ड्रीम के अंदर ही अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करते जा रहे हो, हेल्थ को सॉरी इन्वेस्ट करते जा रहे हो। इसके अलावा आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट की जानकारी होनी चाहिए, करंट क्या चल रहा है आपकी, मतलब 20 मिनट आपको इस काम को देने हैं, मेरी फील्ड के अंदर नया क्या चल रहा है, जो मैं कर रहा हूं, जिस प्रोफेशन में मैं हूं, मेरी फील्ड के अंदर नया क्या है जो कि मुझे अपडेट करता है, जो कि मुझे कॉन्फिडेंट रखता है नॉलेज के मैटर के ऊपर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक बहुत जरूरी ना होना तो ऑफिस का स्ट्रेस जो है वो अपने घर पे मत डालो। जैसे ही आपने अपने ऑफिस का स्ट्रेस अपने घर पे डाला, ठीक है जी, जैसे ही आपने अपने ऑफिस का वो अपने घर पे डाला स्ट्रेस, ऐसे ही आपके चक्कर में दो तीन और हो गए टेंशन के अंदर। आपने पत्नी को डांट लगा दी, पत्नी ने बच्चों को लगा दी, बच्चों ने पड़ोसियों के बच्चे पीट दिए जाके, कहीं ना कहीं तो चालू रहेगा मामला, ठीक है। वो उनकी मम्मी को शिकायत करेगी, उनकी मम्मी का मूड खराब होगा, वो उसके पापा को डांट लगा देगी, उसके पापा ऑफिस में किसी को डांट लगा देगा, तो स्ट्रेस वापस के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चला जाएगा ट्रैवल करते हुए सारा का सारा। ऐसा ही होता है, एंगर हमेशा ट्रैवल करता है जीवन के अंदर। तो आपको अपनी कोई भी बात, छोटी से छोटी बात भी अगर ना लगे इंपॉर्टेंट है तो अपने तक रख लो, और तब डिस्कस करो जब आपके आपे से बाहर हो जाए वो बात, ठीक है जी। दूसरी चीज, जब मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा हूं तो जूते झाड़ के आ जाऊं कि भैया कल सुबह आके देखूंगा अब जो काम है। अब मैं रास्ते में या घर पे कोई टेंशन नहीं लेने वाला, चाहे मेरे टारगेट पूरे हैं या नहीं है, क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस को किल करते हो जब आप रात को 12 बजे ऑफिस, सुबह 5 बजे ऑफिस। पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है इस चक्कर के अंदर, आपको नहीं पता भी आप यंग वॉक कर लोगे, कितने सेल्स आपके डैमेज हो रहे हैं। 5 सेल डैमेज होते हैं एक व्यक्ति के जब वो लगातार 24 घंटे के अंदर 8 घंटे की नींद नहीं लेता। 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो 5 सेल डैमेज हो रहे हैं, मतलब बुढ़ापा तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और आपके दिमाग में सिर्फ पैसा ही चल रहा है कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। अगर उतना है जितने में आपका गुजारा बहुत अच्छा हो सकता है और आपकी वेल्थ जो है वो स्ट्रांग है, मतलब आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आपके जीवन के अंदर नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को सेल्फ किल कर रहे हो। सेल्फ किल 365 इंटू 5 करो ना, क्या नंबर निकल के आएगा, कितने सेल खराब कर रहे हैं एक साल के अंदर। और ये सेल दोबारा नहीं बनते हैं, और सेल अगर नहीं होंगे बॉडी के अंदर तो बॉडी की ऊर्जा कहाँ जाएगी। अचानक से होता है लोगों के दिमाग में, आप किसी 40 साल के व्यक्ति से मिलोगे बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उससे 42 के एज मिलोगे तो आपको क्या हुआ भाई, अचानक से सारे बाल सफेद, अचानक से क्या हो गया, कहेगा हाँ बस अब तो उम्र हो रही है, वो इस बात को कह के बात को टाल देगा, लेकिन दैट इज बिग रॉन्ग। आपको नहीं पता क्या घट रहा है आपके हेल्थ के वेल्थ के अंदर, आप अपनी हेल्थ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप अपनी हेल्थ को इस प्रकार से इन्वेस्ट करते रहे तो आप उस वेल्थ का मजा नहीं ले पाओगे। उस वेल्थ का मजा वो लेंगे जो नए नए डॉक्टर बनेंगे, लग्जरियस हॉस्पिटल होंगे जिनके पास, और आपकी गाड़ी जो है वो पहाड़ों में या नदियों के किनारे लद्दाख में नहीं घूमेगी, मैक्स हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल चक्कर काट रही होगी। आज सुबह उठते ही ये दवाई खानी है, अभी तो ये होता है ना सुबह उठ के ये काम करना है, सुबह उठते ही खाली पेट ये दवाई खानी है, नाश्ते के बाद ये दवाई खानी है। यू आर, आप एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी वेल्थ के अंदर। हमें बहुत ध्यान से इस बात को सोचना चाहिए, अगर आपके पास हेल्थ है तो आप प्राउडफुली कह सकते हो कि मैं 130 साल जीऊंगा, मैं 150 साल जीऊंगा, मैं 200 साल जीऊंगा। और अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोलोगे। वेल्थ इज इम्पोर्टेंट, इक्वल इम्पोर्टेंट है वेल्थ, लेकिन मैं उसमें अपने स्किल को इन्वेस्ट करूंगा, अपनी मैनेजमेंट को इन्वेस्ट करूंगा, अपनी प्लानिंग को इन्वेस्ट करूंगा, अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करूंगा, डजंट मीन कि मैं अपनी हेल्थ को इन्वेस्ट करूंगा वेल्थ के अंदर, क्योंकि वो उससे भी बड़ी चीज है मेरे पास, उसी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। नहीं तो सिकंदर भी कुछ नहीं कर पाया, सारी दुनिया को लूट के खाली हाथ चला गया, हेल्थ नहीं बची ना,
इतनी टेंशन, आज ये देश जीतना है, आज वो देश जीतना है, आज यह करना है, आज वो करना है। भैया दुनिया जीतने के लिए टेंशन तो चाहिए ना, उसने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली होगी कि वेल्थ तो बची ही नहीं, हेल्थ तो, और वो वेल्थ बनाने में लगा। और जब इतना हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन हाई रहता है तो क्यों पागलपन है जी हमारे जीवन के अंदर इतना? ऐसा भी पैसा काम का नहीं जो आपकी हेल्थ को किल कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको सेल्फ को मैनेज करना है। सेल्फ को मैनेज कैसे करते हैं, आपका उठने का एक टाइम है, आपके सोने का एक टाइम है, ऐसा ही होता है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे उठने का एक टाइम हो सकता है, हमारे सोने का एक टाइम नहीं होता है आज के युग में, ठीक है जी। एक तो मैं नहीं सोने देता 11 बजे तक, तो आप लोगों को 11 बजे तक तो मैं नहीं सोने देता, ठीक है जी। और उसके बाद क्या नाम है आपका, मोबाइल बाबा, मेरा क्लास खत्म होते ही आप मेरा यूट्यूब थोड़ी देखते हो कि वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दे, वो थोड़ी करते हो आप। करते हो क्या, देखें किसने व्हाट्सएप किया, किसने क्या कहा, कोई मैसेज, कोई कॉल, किसी को कॉल बैक करें, ये देखेंगे। और उसके बाद कल सुबह क्या बनाना, क्या खाना, ये सब करते करते 1 बजता होगा। 11 बजे फ्री होने वाला आदमी कम से कम 1 बजे आंखें बंद करता होगा, ये बिल्कुल क्लियर है, चाहे मैं हूं या आप हैं। मैंने 5 बजे वाली क्लास क्यों बंद कर दी, क्योंकि मेरी हेल्थ इन्वेस्ट हो रही थी उसके अंदर, मेरे को चाहिए ही नहीं वो क्लास जिसमें मेरी हेल्थ इन्वेस्ट हो। हाँ, अगर मैं रात को ये वाली क्लास बंद कर दूं तो सुबह 5 बजे वाली क्लास में कर सकता हूँ। नहीं तो बड़ी मूर्खता वाला काम चल रहा था कि मैं रात को 1 बजे तो सो रहा हूँ और 4:45 का अलार्म है, 5 बजे का अलार्म है। आप 4.5 घंटे सोओगे तो डे में आपकी एनर्जी किस काम आएगी? और दिन में अगर आप एक बार सो गए तो सोने से 1 घंटा पहले और सोने के 1 घंटे बाद तक आप उतने ऊर्जावान नहीं हो सकते जितनी ऊर्जा आपको काम करने के लिए चाहिए होती है। पावर नैप का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन सिर्फ गर्मी में, सर्दी में आपको उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि दिन ही वो छोटा होता है आपके पास। तो आपको ये बहुत डिसाइड करना है कि मेरे सोने का टाइम क्या हो, ठीक है जी। और उसके हिसाब से उठने के टाइम के बीच में 8 घंटे का क्लॉक तो आपको डालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं लोग, 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं। जब व्यक्ति बूढ़े होते हैं उनकी नींद कम होती चली जाती है, पता होगा आपको, जो व्यक्ति बूढ़े होते जाएंगे नींद कम होती जाएगी। क्यों? सेल सपोर्ट नहीं करते। अब आपको उतनी एनर्जी देनी ही नहीं, अब उतने सेल ही नहीं बचे कि जिनको ऊर्जावान करने के लिए आपको 8 घंटे सोना पड़े। भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कल्चर शुरू किया था 18 घंटे काम करने का, आप सबने देखा होगा। हुआ क्या, अनकॉन्शियस होके बैठ गए लास्ट के कुछ साल। उनको पता ही नहीं है कौन पानी पिला रहा है, कौन चाय पिला रहा है, कौन व्यक्ति मेरे साथ क्या बात कर रहा है, कुछ पता होता था? एकदम अनकॉन्शियस मोदी जाके मिलाया, आशीर्वाद ले आया, कुछ बचा नहीं ना। व्यक्ति अनकॉन्शियस क्यों होता, उसकी मेमोरी क्यों चली जाती है, समझ रहे हैं आप? आप अनकॉन्शियस क्यों हो रहे हैं, आपकी मेमोरी क्यों, क्योंकि आपने अपने इतने सेल किल कर दिए। अभी वो नंबर डाला है मिथिलेश मैडम ने 1825 जी, खुशी थोड़ी हो रही है नंबर देख के, 1825 into 10 years करो कितना आप डैमेज कर रहे हो। 30 साल काम करता है एक व्यक्ति, आप कितना बड़ा डैमेज कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर। और आपको ये पता है कि विज्ञान आज ये कहता है कि 90% बीमारियां साइकोसोमिया से बिलोंग करती हैं, मतलब साइकोलॉजिकल है 90%। और ये साइकोलॉजिकल बीमारियों के पीछे सबसे मेजर कारण है ओवर थिंकिंग। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बड़े प्यार से बोलता है जी मैं डिप्रेशन में हूँ। जी वो क्या होता है, 10वीं क्लास के बच्चे बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड, स्टेटस पे लगा लेते हैं, उनको रिप्लाई किया करो आई एम इम्प्रेस टू सी यू डिप्रेस, कि इतनी कैसे हो गया आपको, इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे पा ली। क्या कर रहे हैं लोग, अपनी हेल्थ को इन्वेस्ट कर रहे हैं वेल्थ के अंदर। और ये जो पॉइंट है ये कहता है कि भैया गुरुद्वारे बैठ जाओ, मत कमाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, दो रोटी की फिक्र मत करो, लेकिन इस हेल्थ की कदर करो। टॉपिक मनी का है, लेकिन मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, मनी काम की है क्या? घर नहीं बिकेगा अगर कैंसर या ट्यूमर जैसी कोई बीमारी आएगी? 30-30 लाख रुपए में जिन बीमारियों के 40-40 लाख में ट्रीटमेंट होते हैं, क्या 30 लाख रुपए आप एक दिन में कमाते हो?
हो मान लो आपके पास, आप एक दिन में कमाते हो, क्या आपका बच्चा आपके मुंह से वेंटिलेटर हटा देगा, ऑक्सीजन का मास्क हटा देगा? नहीं हटाएगा। या तो मैंने कुछ काम नहीं कि मैंने नहीं जोड़ा और मैं उसको भी गरीब करके जा रहा हूँ, और या फिर मैं जो कमाया सब खर्च करके जा रहा हूँ। इससे अच्छा इम्पोर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट क्या, जीवन की जीने की इच्छा भी इंसान के अंदर तब होती है जब उसके पास गुड हेल्थ होती है। इफ़ यू डोंट हैव गुड हेल्थ तो आप जीवन जीने की इच्छा नहीं रखोगे, बिल्कुल इच्छा होती नहीं है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, और बीमारियों को न्योता देते रहते हैं उस केस के अंदर। एक तो आप चूज करो अपनी लाइफ के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो काम आप कर रहे हो करते रहो उसके साथ नॉन रिटायरमेंट प्रोफेशन। अगर आपको इंटरेस्ट है LLB में तो LLB करो, आपको PhD करनी है PhD करो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर की प्रैक्टिस करो। किसी भी एज में आप ये काम कर सकते हैं, आप हीलर बन जाओ जैसे इस प्रोफेशन के अंदर है, लेकिन सैटरडे संडे में से एक दिन 2 घंटे आप इस प्रोफेशन के अंदर दे, अपने काम करें कोई ना कोई, और नॉन रिटायरमेंट प्रोफेशन के अंदर आए। अगर आपको वेल्थ का एंजॉय करना है तो आप ऐसे प्रोफेशन में होने चाहिए जहाँ पे रिटायरमेंट ना हो। जहाँ रिटायरमेंट होगी वहां पे आपकी वेल्थ भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, नॉन रिटायरमेंट प्रोफेशन को रखना है अपने पास, जो कि बिजनेस के अंदर बड़े आराम से मिल जाते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे आप नॉन रिटायरमेंट रह सकते हो। दुकानों पे बैठे होते हैं बहुत सारे अंकल जी और बच्चे गल्ला संभाल रहे होते हैं, बस अंकल जी गल्ले पे होते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं। अंकल जी कहते हैं चलो तुम करते रहो, क्या करते हो जी दुकान पे जाके, आपको क्या जरूरत है? बच्चे भी कहते हैं नहीं नहीं बेटा मेरा टाइम पास हो जाता है, वो जरूरी है। ठीक है जी, नॉन रिटायरमेंट प्रोफेशन। दूसरा, अपने आप को गोल के साथ जोड़ के रखो, जो भी आपका गोल है, और गोल को डिवाइड कर दो। सीधी छलांग तो नहीं लगाओगे आप कहीं भी, जितना भी ऊपर आप जाना चाहते हो। बिलियनियर बनने से पहले लखपति तो बनना पड़ेगा, और लखपति बनने से पहले हजारों देखे होने चाहिए, और लाखों देखने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे अपने कॉन्फिडेंस के दम पे। वो सब करने के लिए आपके पास एक गुड हेल्थ और मेंटेनेंस बहुत जरूरी होनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, स्मार्ट दिखो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, स्मार्ट दिखो। आपके दिमाग को ये रियलाइज मत करवाओ शीशे के आगे समझ खड़ा करके कि भैया इतने वाइट आ गए और इतने वाइट आ गए। नाई को बोलो जी शीशे पे काला कपड़ा डाल दे और बढ़िया से चमका दे। ठीक है जी, जरूरी है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपका ब्रेन आपको दिखाएगा कि आप यंग हो, आप खूबसूरत हो, और उसके बाद ही तो आप आगे भागो, आपकी एनर्जी बनाएगा वो आपकी ब्रेन के अंदर। अगर आपको ये रियलाइज होने लग गया कि मैं बूढ़ा हूं, तो आपके साथ फियर भी जुड़ने लग जाएंगे बहुत सारे, और ये चीज इतने मतलब माइक्रो लेवल के पॉइंट हैं। हमने क्लास 3 में डिस्कस किया था कि हम बहुत ज्यादा माइक्रो जाने वाले हैं इस क्लास के अंदर, समझो कि आप उसी माइक्रो पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि भैया अगर मैंने आज से वर्कआउट शुरू नहीं किया ना, तो उस टाइम पे शायद मेरे पास वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं होगा। ठीक है जी, और अध्यात्म भी कहता है एक बात, अध्यात्म वाले भी बड़े जबरदस्त लोग होते हैं, एक बात समझाइए सबने, कह रहे हैं जी जब तक डिजायर बाकी है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ओ भैया डिजायर तो रहेगी रहेगी, संपूर्ण होना तो बहुत बड़ा काम है, और ये डिजायर रह जाएगी कि भैया मैंने जिम नहीं किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं भेजी, मैं फिर जन्म लूंगा। तो अध्यात्म वालों ने बड़ा सिंपल तर्क आपके साथ लगा के रखा हुआ है कि भैया आना तो है लेकिन ढूंढना मोक्ष है, और मोक्ष के लिए डिजायर खत्म करनी है, जो कि हो नहीं सकती, 70,000 विचार तो आएंगे आएंगे। तो सिंपल डेफिनेशन से समझिएगा इस बात को कि मेरे को वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। मैं घर में घर हूँ, ऑफिस में ऑफिस हूँ, किसी पार्टी में हूँ तो पार्टी में हूँ, दोस्तों के साथ हूँ तो दोस्तों के साथ हूँ, हर जगह मुझे अपने काम को नहीं घुसाना। और जब मैं काम में हूँ तब भी घर पे बता देना है, कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो तो फोन मत करना। इतना छोटा नहीं हूं कि ये पूछो कि खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, खा सकता हूँ मैं खाना अपने टाइम पे, भूख लगेगी तो खा लूंगा। वो जो फोन आते हैं ना घर से पूरा दिन, वो भी डिस्टर्ब करते हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है, आज बॉस ने क्या कहा, आज उसका मूड कैसा है, वो खुद ही सारी जानकारी निकालते रहते हैं, वो सब भी नहीं। काम में हो तो काम में, और 8 घंटे से 10 घंटे का जो काम होता है ना,
मैन प्रोडक्टिविटी इनफ होता है, ठीक है जी, बहुत काम होता है। अगर आपने ईमानदारी से एक दिन 8 से 10 घंटे काम कर लिया, तो मैं आपको एक बात की गारंटी कर रहा हूं, रात को नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी, नींद आ जाएगी। मैं 5 क्लास करता हूं ना, ये वाली क्लास करके मैं लैपटॉप बंद करता हूं अपलोड करते ही, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहां हूं, बहुत बढ़िया नींद आएगी। 5 क्लास का मतलब 5 घंटे तो लगातार हो गए, 5 क्लास का मतलब 5 घंटे तो लगातार बोल रहा ही हो गया, तो ऊर्जा तो खर्च हो रही होगी ना ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं, और बेचारे को कितना परेशान करना है आपको जाग के, बंद, उसके बाद सो जाओ। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग सुबह देख लेंगे, सुबह होगी तो, नहीं तो अपना आराम करो। सिस्टम ये रखो कि भैया मैं जो हूं ना बैलेंस्ड हूं, किसके साथ, अपने वर्क के साथ। समटाइम्स आपके साथ ऐसा होगा कि आप रात को लेट आए, आप बाहर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, यू विल मैनेज, अपने समय को मैनेज करो, सैटरडे संडे को रिकवरी करो अपने काम की, और अपने आप को हेल्थ वाइज परफेक्ट रखो। हेल्थ में क्या परफेक्ट रखना है, 4 चीजें हैं सिर्फ आपके, 40 मिनट का वर्कआउट है, 20 मिनट का अपडेशन करना है खुद को, अपने अपडेशन के लिए मोबाइल काफी, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इस टाइम टॉप पे पता है, मौन व्रत मोबाइल का, ये हमारी फील्ड में चल रहा है कि जी मोबाइल बंद रखना है, डिजिटल का त्याग करना है 2 दिन के लिए। मैंने कहा ये कब हुआ, पापड़ खीरे तो सुना था त्याग करने के लिए, डिजिटल का भी त्याग करवाओगे तो क्लास कहाँ करेगी। डिजिटल मतलब फास्ट चल रहा है आजकल के, डिजिटल का त्याग करना है, जो भी गैजेट वैजेट है वो सब आपको त्याग करने हैं। तो आप अपनी फील्ड की नॉलेज रखो कि आपकी फील्ड में क्या चल रहा है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सुबह का मील कितने बजे लेते हो, दोपहर का कितने बजे लेते हो, और शाम को आधे लोग भूखे पेट घूमते रहते हैं। सबसे हाईएस्ट टाइम होता है जब रेडियो पे भीड़ होती है, दैट इज 5:30 से 7:30 का टाइम, जब सारी फूड इंडस्ट्री ऊपर होती है, सबकी प्रमोशंस चल रही होती हैं। आप देखोगे जोमेटो वोमेटो पे ये हो वो, क्यों, वो टाइम सबसे ज्यादा इंसान को भूख लगने का टाइम है, ये साइकोलॉजी कहती है। उस टाइम के लिए आपके पास क्या है, कोई बिस्कुट, कोई नमकीन, कोई चाय, क्या सिस्टम है उस टाइम पे आपको अपने ब्रेन को ऊर्जा देने के लिए फूड जरूर देना है, क्योंकि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम की जब आपको बैलेंस करना है, अपने काम को भी फिनिश करना है और बॉडी को ऊर्जा भी देनी है, क्योंकि आपने जो भी मील लिया 2 बजे लिया, उसका 3 घंटे के बाद के गैप के बाद आपके पास कुछ नहीं है। एवरी 2 आवर्स में आपके पास आपके टिफिन के अंदर कुछ होना चाहिए, या आपके ऑफिस के ड्रॉर के अंदर होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर बॉडी के ऊपर करनी है। अगर ये पानी पीना, 2 घंटे में कुछ ना कुछ फ्रूट खा लेना या कुछ कुछ कर लेना इनफ है, आप अपनी हेल्थ तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अब आप अपनी वेल्थ इन्वेस्ट, अपनी वेल्थ के अंदर अपने स्किल और नॉलेज को इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आपने अपने स्किल और नॉलेज को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया, तो आप पाएंगे कि चीजें बदल रही हैं। लोग कहते हैं जी हम कहाँ जाएं, जिम विम टाइम नहीं मिलता है, वो जहाँ खड़े हो वहीं खड़े होकर रनिंग कर लो ना, वो भी नहीं कर सकते खाली, अगर आप ऐसे अपने हाथ को 20 बार भी करोगे ना, 30 बार भी करोगे तो आपका हाथ पेन करने लग जाएगा। 20 से 30 बार में कोई डंबल वंबल आपके हाथ में नहीं है तब भी पेन करने लग जाएगा। एक बॉल रख लो, छोटे छोटे गैजेट आते हैं जिम के इस तरीके से पुश करने वाले, आप वो रख लो साथ में अपने बैग के अंदर। इतना बड़ा मोबाइल भी तो लेके घूमते ही हैं हम सब, छोटा सा गैजेट ले लें, वो हमें क्या फील करवा रहा है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, वो मेरे ब्रेन को क्या सपोर्ट करवा रहा है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अगर वेल्थ स्ट्रांग है तो हेल्थ को भोग पाएंगे, और वेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, फिर डॉक्टर कमाएंगे, कमाने दो उनको भी। अपने गोल को डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में प्लान करो, कोई एक आदमी तो मेरे साथ है नहीं अभी जो मैं किसी को बताऊं कि आप अपना फैमिली गोल कैसे बनाएं, बट हाँ आप लोग अपने एज के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई कहता है मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो कोई चक्कर नहीं है जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी कम हो गई हैं, ठीक है जी, अब आपके पास उतनी भी 60 साल का आदमी है कह रहा है मेरी एज ज्यादा हो गई है, तो कोई बात नहीं, अब आपके बच्चों बच्चों की शादी हो ली, आपकी बहुत सारी उनकी पढ़ाइयाँ भी निपट ली, आपके बहुत सारे खर्चे कम भी हो गए हैं, तो अपने आप को यहाँ मत रखो, आप फ्यूचर के लिए आपकी क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप क्या प्लान कर रहे हैं उसके।
अगर आप इतना करने में कामयाब रहते हैं तो उसके बाद आप देखिए आपके पास किस लेवल का सेटिस्फेक्शन है। और जो मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, परिवार को समस्याएं देनी बंद करें, ऑफिस की टेंशन परिवार में मत लाएं, परिवार की टेंशन ऑफिस में मत लाएं। ऐसे भी बहुत सारे महा अनुज होते हैं जो बोलते हैं ऑफिस में आके, जी बीवी से परेशान हूँ इसलिए डिप्रेशन में हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भैया यहाँ पे आके क्यों बता रहे हो कि बीवी से परेशान हूँ? बहुत लोग हैं जो ऑफिस में जाके बीवी की बुराई कर देंगे, ठीक है जी, या अपने ही बच्चों की बुराई करने लग जाएंगे जाने के बाद। और घर को घर रखिए, ऑफिस को ऑफिस रखिए, हेल्थ को हेल्थ के साथ बैलेंस रखिए, फिर देखो आपकी वेल्थ क्या है। अगर आपने हेल्थ को बैलेंस नहीं रखा वेल्थ के चक्कर के अंदर, और बैलेंस रखने की टाइमिंग बता देता हूँ क्या है, 22 साल से लेके 62 साल तक आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप मान के चलो कि 80 साल के कैलेंडर में हम होंगे। अगर आप लगातार 30-40 साल इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो, नहीं तो चांदनी चौक पे बहुत सारी दुकानें हैं, ये घुटने का तेल जी, ये कमर का तेल जी, नूरानी बाबा, बंगाली बाबा, पता नहीं क्या 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 बने हुए हैं, और हम कोई ना कोई इलाज ढूंढेंगे भाई, आयुर्वेद में मिल जाए, यहाँ से इलाज मिल जाए, यहाँ से इलाज मिल जाए, कुछ ना कुछ हम अपनी तकलीफ के लिए ढूंढते हैं। तकलीफ आज इस टाइम पे खुद को बैलेंस करेंगे तो आज भी कम होगी, और अगर आज ही हम बैलेंस करेंगे तो फ्यूचर में तकलीफ होगी ही नहीं, इस बात की गारंटी है। एक्सीडेंटल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मेरे कंट्रोल का है वो तो मैं कर सकता हूँ। और मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँ। पैसा 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 ठीक है, बट बैलेंस कर लूँ, क्योंकि इतना तो मैं लूज नहीं रहूँगा अपनी लाइफ में कभी भी कि मैं दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाऊंगा, इतना स्किल तो मेरे पास है। बट हेल्थ जरूरी है, वो देखो जी आ गया नीचे, ऑलिव ऑयल लगाओ पेंस के ऊपर, ये लगाने की जरूरत ही ना पड़े मैडम जी, वो टिप्स दिखा रहा हूँ क्लास के अंदर कि ये ऑलिव ऑयल पे खर्चा करने की जरूरत ही ना पड़े हमें। और परिवार को तब जान पाते हैं जब आप परिवार के साथ समय इन्वेस्ट करते हैं। जब आप परिवार के साथ समय इन्वेस्ट नहीं करोगे तो परिवार के साथ ना वो इमोशन होगा, ना आपको परिवार के बारे में कुछ पता होगा, और लास्ट में कहना जी इतना ही टाइम था। आपके घर में अगर एक महिला है, बच्ची है मान लो, छोटी लड़की है, तो आप उसके साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। और जिनके दो हैं तीन हैं उनको तो और ज्यादा करना चाहिए। एक बात तो आपने उसकी नॉलेज में हमेशा के लिए डाल दी, बेटा तेरी शादी हो जाएगी। टेंशन भी 5 साल पहले ले लेते हो कि बेटा तेरी शादी हो जाएगी, तो टाइम तो दो उसको। और बाद में तो पता ही नहीं चला जी कब बड़ी हो गई, कब शादी हो गई। अरे पता कैसे नहीं चला, आपने पता किया ही नहीं, 20 साल कम थे क्या पता करने के लिए? 20 साल कम थे, 20 साल में कितने घंटे आपने उस बच्चे को दिए? क्या साल के 365 घंटे भी दिए? नहीं दिए। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना इज नॉट योर वो क्या नाम है मोटिव। अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी शादी होनी है और इसका भविष्य कहीं और है समाज के हिसाब से, तो आपको उसके साथ कौन सी बॉन्डिंग रखनी है? वो इमोशनल बॉन्डिंग होगी तो साल में एक बार घर से बाहर निकलेंगे, चलो बच्चों घूम के आते हैं, समंदर देख के आते हैं, पहाड़ देख के आते हैं, प्लेन की सैर करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, वो इमोशन होगा ही। तो बच्चा कहेगा पापा तो मुंह बना के आए हैं, मैं इनसे बोलूंगी तो गुस्सा करेंगे, छोड़ो। बच्चा बोलेगा ही नहीं कुछ आपको आपको आने के बाद, और आप कभी समझोगे नहीं। और इससे समाज में क्या मैसेज जाता है, जिस स्पीड से हमारी जनरेशन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो इमोशन कनेक्शन उसका अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो बन पाता। फिर वो कहेगा जी मेरा नाइट आउट है, मैं घूमूं, जाना उसको घूमने ही है। और आप यकीन नहीं करोगे, पहले ही घुमा रखा होगा वो अपने दोस्त को, कहेगा ना वहां नहीं जा रहा मैं, बोरिंग जगह ये, तो मैं अपने पापा के साथ 2-3 बार जा आया। वो इमोशन कनेक्शन तब बनेगा जब वो आपको अपनी सारी बात तब समझा पाएगा, तब जब आप ये वाली अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करेंगे। और मत कीजिए वर्क लाइफ को बैलेंस, उसके बाद जो अंजाम होते हैं टिपिकल फैमिलीज वाले, वो टिपिकल फैमिली के अंजाम सबको पता होगा, ना बच्चों की पेरेंट्स से बनती है, ना पेरेंट्स की बच्चों से बनती है, और डिफरेंट डिफरेंट आपकी सारी कमाई हुई दौलत इधर उधर लगती है। आप इस फ्रस्ट्रेशन में जीते हो कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम पे इतना खर्च किया, वो इस फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं कि आपने हमें कभी टाइम ही नहीं दिया, आपने कभी हमें समझा ही नहीं। सारा का सारा गेम आउटपुट पे जाके खराब हो जाएगा। इनपुट राइट जरूर थी, लेकिन आउटपुट मेरे सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मैंने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिए। फाइनेंशियल डिसीजन लेना इज ए वेरी गुड थिंग, बट
वर्क लाइफ उससे भी कहीं गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्क लाइफ। अगर आपने अपनी वर्क लाइफ को इस प्रकार से बैलेंस नहीं किया और आप सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस करते रहे, तो साइकोलॉजी कहती है कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। किस चीज की? हेल्थ की। और हेल्थ की इन्वेस्टमेंट करना ही अपने वर्क के अंदर सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट है। फिर तो फौजी बन जाओ, कहीं से भी गोली आ जाए आने दो, कोई बात नहीं, हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है ना वहां भैया, जान रहे तो खतरा है। और हम अपने जान के खतरे को बिना मतलब के अपने ऊपर डाल के बैठे और पूछो क्या जी, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, कमाइए ना, किसने मना किया है। मैनेज कर लीजिए अपने आप को और बहुत तरीके से मैनेज कर लीजिए। प्रायोरिटीज पे रखिए अपने रेस्ट को, प्रायोरिटीज पे रखिए अपने वर्कआउट को, प्रायोरिटीज पे रखिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को, प्रायोरिटीज पे रखिए स्वयं के डाइट प्लान को। कौन रोक सकता है फिर आपको आगे बढ़ने से? कोई भी नहीं रोक सकता अगर ये सारी प्रायोरिटीज नहीं है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ दिन में 3 बजे। तब तक के लिए अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसे हमारे ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। और किस व्यक्ति को कितना पानी पीना है वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।